So hey guys, and welcome back to my channel after a long time. I hope you are absolutely fine and safe. Actually, यार मैं पासवर्ड भूल चुका था अपने यूट्यूब चैनल का, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। Are you comedy me? तो फाइनली मैं आ चुका हूँ, तो अब डालते हैं वीडियो। मैंने स्विगी का वो लिया था, क्या बोलते हैं, वन, स्विगी वन का एक सब्सक्रिप्शन आता है, मैंने वो लिया था। तो फिर उसमें मुझे ये मिला था एक कूपन, और वो कूपन क्या था कि कहीं भी तुम जाओ सिनेपोलिक्स मूवी शो में, और उसमें आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। हालांकि वो पूरा 50% नहीं रहता है, बट कूपन मिला तो मिला, उसको यूज़ तो करना ही है, वो करना था 29 February से पहले पहले। तो मैंने बोला भाई क्यों ना इस बार ही किया जाए, तो मैं निकल पड़ा हूँ DLF साकेट उधर मूवी देखने के लिए। और मूवी कौन सी, आर्टिकल 370 जो भी लेटेस्ट रिलीज हुई है। मेरा सो हालांकि 10 बजे का है, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई कहीं मैं लेट ना हो, तो इसलिए मैं निकल गया 9 बजे। और तब भी मुझे लग रहा था कि मैं लेट होऊंगा, क्योंकि यार क्या पता ट्रैफिक मिल जाए। फिर जब मैं तैयार होकर गाड़ी में बैठा, तब मुझे ध्यान आया कि अरे यार आज संडे है, और आज के दिन कौन सा तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए यार हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत पूरी रोड खाली है। सी यार पूरा रोड खाली है पड़ा हुआ है, जिसमें मैं जल्दी पहुंचूंगा कि नहीं। सामने ये गोपुर मैंने लगा रखा है, ये एक्चुअली मेरा है ना पहली बार मैं सिनेपोलिक्स में जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जाता था तो मैं बस PVR सिलेक्ट करता था, ओनली PVR, क्योंकि भाई मुझे PVR इतना पसंद आ चुका है ना, अपने जो बगल में है प्रिया सिनेमा हॉल, इतना पसंद आ चुका है कि भाई जो भी मैं मूवी देखूंगा भाई मैं वहीं पर देखूंगा, उसके अलावा मैं कहीं नहीं देखूंगा। बट इस कूपन के चलते मैंने ये साकेत वाला DLF वेन्यू सिलेक्ट किया है, और कोई रीज़न नहीं था इस वेन्यू में जाने का। या आ गया, चलो इसको पता है सीट बेल्ट भी लगाना इम्पोर्टेंट है, लगा लेते हैं वरना भाई कौन ही लगाता है, जिनको अपनी जान की फिक्र नहीं होती है वही लोग नहीं लगाते हैं। देखो भाई हम तो लगाते हैं, क्योंकि हमें अपनी जान की बहुत फिक्र है। तो घुसते साथ ही हमें पार्किंग मिल गई, इतनी सुबह सुबह आएगा ही कौन इधर, है ना भाई, इसलिए हम लोग यहीं पर ही लगा देते हैं, बात खत्म, घंटा खत्म सब चीज़ का। चलो अब चलते ऊपर, हमने भाई अपनी गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, और अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर उन्होंने बोला है कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, तो फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं सिनेपोलिक्स। या तो उन्होंने PVR का पता तो नहीं बता दिया, क्योंकि यहाँ पे PVR भी है एक्चुअली। चलो चल के देखते हैं यार। सुबह के बजे 9:30 बजे भाई ये मॉल देखो कितना सन्नाटा हो रखा है भाई इस मॉल में, बिल्कुल हलचल नहीं। लेकिन हमें तो जाना भाई फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फिर एक्सीलेटर या सिनेपोलिक्स, चलो कांड मेरे साथ ही क्यों होता ही बताओ। मैं अभी इधर पहुंचा सिनेपोलिक्स ही रहा मेरे बगल में, ओके। तो यहाँ मैंने जैसे पहुंचा तब मेरा अकाउंट जो सिनेपोलिक्स में था उधर से लॉग आउट हो गया, और यहाँ पर नेट चल नहीं रहा। यहाँ पर आराम से 5-10 मिनट में बैठ के भाई देखा कहाँ पर नेट है, फिर जाके भाई यहाँ पर मैं लॉग इन करके यहाँ पर मैंने QR कोड जनरेट किया। मस्ट वॉच मूवी है शैतान सही में, तो भाई ये भी देखना बनता है यार। देखो यार एंट्री तो काफ़ी अच्छी है, या इम्प्रेसिव है। 9:39 अभी तक तो गेट खुला नहीं यार मेरा, तो अभी यार ये क्या बोलते हैं स्क्रीन खुला, अभी तक गेट खुला नहीं, देखो कब खुलता है गेट, पे जाएंगे। फाइनली भाई हमें एंट्री मिल चुकी है, जब बाहर जाऊंगा तब रिव्यू करूंगा, तब तक मिलते हैं। Two hours later. भाई मूवी तो देख लिया, मूवी का रिव्यू भाई गाड़ी में चल के करते हैं, भागते हैं यहाँ पर थोड़ा मॉल एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है चलो। जब आया था भाई तब ये पूरी भाई खाली थी, लेकिन अब देखो पूरा का पूरा भाई भर चुका है। और टाइम कितना हो रहा है, 1 बजने का 1 बज चुका है। अपनी गाड़ी भी यहीं पर है, चलते हैं चलो। हाँ तो गाइज अब बात करते हैं मूवी की, मूवी एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहली बात तो क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सिनेपोलिक्स में गया था मूवी देखने, एज मैं PVR में जाता हूँ हमेशा, लेकिन इस टाइम मैं इधर गया था सिनेपोलिक्स। वैसे तो यार देखो
सीट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। सही बात है यार, सीट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। जैसे यार पीवीआर में इतना एक्सपीरियंस मिलता है, मुझे उतना सिनेपोलिस मुझे अच्छा नहीं लगा। आई प्रेफर पीवीआर। ओके, और साथ साथ मूवी कैसी रही यार? आर्टिकल 370 देखने गया था, नो डाउट भाई, उसमें जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं सब ने भाई क्या ही रोल प्ले किया है। मतलब कि इतना एफर्ट दिया ना एक्टिंग में, हम क्या ही बताएं, बहुत उम्दा एक्टिंग थी यार। साथ साथ मुझे एक टाइम को ऐसा लग रहा था कि मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ। 6 चैप्टर वाइज थे कि चैप्टर 1 ऐसा था, चैप्टर 2 ऐसा था, चैप्टर 3 ऐसा था। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं मैं वेब सीरीज तो नहीं देख रहा सिनेमा हॉल में आके उन्होंने वेब सीरीज लगा दी हो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं था। और मूवी एक्सपीरियंस भाई काफ़ी अच्छा था। सुबह से यार मैंने कुछ खाया नहीं है, अभी 1:10 हो चुका है, भूख लग रही है अब यार। सोच रहा हूँ साकेट में जाके कुछ खा लूँ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कुछ, अगर मैंने ज़्यादा खा लिया ना मेरी माँ मुझे मार डालेगी। पानी भाई अभी तो ये मंगाया, इसको खा के चले गए, मस्त लगते यार ये। फाइनली भाई हम इधर आए अपनी गाड़ी में। उधर मैं भाई खा लिया था यार, शॉर्मा ही खा लिया, कुछ समझ में नहीं आया था भाई क्या खाएं, तो बस मुझे भाई एक ही चीज़ सूझा, शॉर्मा खा लेते हैं, डेट सीट हो जाएगा फिर। बस अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी चले गए और सीधा घर मिलते हैं यार आपसे। तो भाई हम लोग फाइनली अपने घर आ चुके हैं सीधे, अब यहाँ से चाबी उठाते हैं और यहाँ से कैमरा और चलते हैं यहाँ से। कल इस लड़की का एग्जाम है, वो भी बोर्ड्स का, क्लास टेंथ का, और ये देखो क्या देख रही है, मतलब कि कैसे पेपर देगी ये बताओ मुझे, कैसे देगी? कोई जवाब नहीं, फिलहाल मुझे काम है, गाड़ी से बाहर चलते हैं माँ को लेके जाने गिफ्ट खरीदने। अभी हम आ गए भाई सेक्टर 1, या तो इस दुकान में, या तो इस दुकान से हम लेंगे गिफ्ट। हमने फाइनली ये सिलेक्ट कर दिया है, इतनी को रिजेक्ट करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फाइनली भाई गिफ्ट मेरा ईरा, और ये गिफ्ट किस चीज़ के लिए वो मैं बता दूँ आप लोग को। अभी हम जा रहे हैं द्वारका, मम्मी जी के फ्रेंड का वहाँ पे घर है, जिन्होंने अभी नया नया बनाया है, उसके लिए अभी गृह प्रवेश हो रहा है, तो उसी चीज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं उधर, साथ में इसको लेके आ रहा है ना ये, इसको लेके। भाई मैं आ चुका हूँ गृह प्रवेश, बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी मम्मी तो ऊपर गई है अभी, मैं वहाँ पर बैठा पड़ा। Later that same evening. Finally भाई 8:25 में घर पहुँचा भाई, इतना पसीना पसीना आ गया, पूछो मत गाड़ी चल से चलाते। अब मैं माँ को कह रहा हूँ भाई मुझे गोदी ले दो, या बचपन में भी गोदी लेते थे, अभी भी गोदी लेते तो क्या हो जाएगा यार, थक चुका हूँ बहुत मैं। अब मैं बहुत गाड़ी चलवाया अपने मुझसे, कम से कम मैंने पता है पूरा दिल्ली नाप लिया, साउथ दिल्ली से ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सब नॉर्थ दिल्ली बस हो जाएगी।